की जिंदगी मिली थी हमें और ई जिंदगी नहीं मिलेगी। पिछले सप्ताह रिलीज हुई पिंक में शहरी महिलाओं का चित्रण था, तो इस सप्ताह प्रदर्शित फिल्म पार्श्व भारत के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की दयनीय स्थिति को बयां करती है। गांव में टीवी और मोबाइल तो पहुंच गए हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण में रत्ती भर बदलाव नहीं देखने को मिलता है। उनके लिए अभी भी स्त्री सेक्स और बच्चा पैदा करने की मशीन है। फिल्म की लेखक और निर्देशक लीना यादव हैं। पार्श्व में उन्होंने तीन किरदारों रानी, लाजो और बिजली के जरिए बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, विधवा समस्या, घरेलू हिंसा, वैवाहिक बलात्कार जैसी तमाम बातों को पात्रों के जरिए दिखाया है। तीनों प्यार की जरूरत महसूस करती है जो उन्हें किसी पुरुष से नहीं मिलता। प्यार की उनकी जिंदगी में कितनी कमी है कि रानी से एक अनजान शख्स फोन पर मीठी बातें करता है तो वह शर्म से लाल हो जाती है। फिल्म दर्शाती है कि पुरुष अपनी दैहिक जरूरतों को मर्दानगी का नाम देते हैं, लेकिन महिलाओं की दैहिक जरूरत को कोई नहीं समझता। रानी और लाजो अपनी इच्छाओं को दबा कर रखती है। पार्श्व इशारा करती है कि महिलाओं को अपनी स्थिति में सुधार करना है तो उन्हें खुद आगे बढ़ना होगा। रानी अपनी बहू जानकी का जीवन सुधारने के लिए जानकी की शादी उसके प्रेमी से करा देती है। लीना यादव का प्रस्तुतिकरण बहुत बोल्ड है। बोल्ड सीन, गालियां और हिंसा से उन्होंने परहेज नहीं किया है। कहानी में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन वे अपनी प्रस्तुति के बल पर बांध कर रखती हैं। महिलाओं के प्रति फिल्म में हिंसा ज्यादा हो गई है, जिससे बचा जा सकता था। पढ़ लिख लेगी तो लगन कौन करेगा। गालियों में महिला के बारे में ही बुरा क्यों कहा जाता है, इस पर भी वे रोष जताती है और उनकी महिला पात्र ऐसी गालियां बकती है जिनमें पुरुषों को बुरा कहा जाता है। लीना के लेखन या निर्देशन में एक कमी महसूस होती है कि पात्रों के दर्द को दर्शक महसूस नहीं करता। अपने मर्द को खुशी करना सीखी ले, नहीं तो। चूंकि फिल्म का निर्देशन एक महिला ने किया है, इसलिए तीनों प्रमुख अभिनेत्रियों ने बिंदास तरीके से कैमरे के सामने अभिनय किया है। बोल्ड दृश्यों में उनमें कोई झिझक नजर नहीं आती। तनिष्ठा चटर्जी का अभिनय सदा हुआ है और वे ग्रामीण महिला के किरदार में डूब गई। राधिका आप्टे अपने हर किरदार को ऊर्जावान बना देती है। लाजो के रूप में वे प्रभावित करती है। सुरविन चावला का अभिनय अच्छा है, लेकिन वे शहर की महिला लगती है। मैं मारा दिल नहीं सुनूंगी। फिल्म को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सिनेमाटोग्राफर रसेल कारपेंटर ने शूट किया है। क्लोजअप, लैंडस्केप और रंगों का संयोजन में उनका कमाल देखने को मिलता है। कलाकारों के चेहरे के भाव को उन्होंने बखूबी पकड़ा है। कुल मिलाकर पार्श्व महिलाओं की आंतरिक भावनाओं और पुरुष शासित समाज की झलक अच्छे से दिखाती है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3.5 स्टार देता हूँ।